पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने मंगलवार को बुध बाजार का निरीक्षण कर वहां स्मार्ट सिटी योजना के तहत चल रहे स्मार्ट रोड नेटवर्क का काम देखा। बाद में टाउन हॉल स्थित कार्यालय पहुंचकर वहां चल रहे कामकाज की जानकारी ली। इस मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्मार्ट सिटी के काम को प्राथमिकता के साथ समय से निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था भी चुस्त और दुरुस्त रखने पर जोर दिया। नगर आयुक्त तो सुबह कुछ देर पीली कोठी स्थित कार्यालय में बैठे और समस्याएं सुनी। उसके बाद वो स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ बुध बाजार गए। वहां स्मार्ट रोड नेटवर्क के तहत बनाई जा रही सड़कों का जायजा लिया। साथ ही सड़क चौड़ीकरण काम में बाधा बताकर नगर निगम प्रशासन द्वारा 22 दुकानों में की जा रही तोड़फोड़ के काम को भी देखा। बाद में वो टाउन हॉल स्थित अपने कार्यालय पहुंचे और वहां होने वाले कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए नगर आयुक्त ने बुध बाजार में स्मार्ट सिटी के चल रहे कार्यों को भी संतोषजनक बताया है। बुध बाजार में जो हमारा चौड़ीकरण का कार्य और सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है, उस संबंध में स्थलीय निरीक्षण किया गया था और संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं के द्वारा बताया गया कि इसकी जो डेडलाइन रखी गई है वो 31 मार्च है और कार्य की प्रगति अभी तक संतोषजनक लग रही है और पूरी उम्मीद है कि जो ये फेस लिफ्टिंग का काम चल रहा है ये 31 मार्च तक हम लोग पूरा कर लेंगे। सर, आपकी प्राथमिकताओं में सर नगरीय सुविधाओं को लेकर क्या? नगर निगम के कार्य क्षेत्र में जो भी प्राथमिकताओं के बिंदु होते हैं, साफ सफाई से लेकर सुंदरीकरण के कार्य, वो सभी प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना मैं सुनिश्चित करना चाहूँगा। सर, कोई एक खास सफाई है या है? साफ सफाई और नगरीय स्वास्थ्य पर ज़्यादा विशेष जोर रहेगा, प्लस जो हमारे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए, इस पर विशेष झुकाव रहेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।